हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं भूगोल परीक्षा प्रश्नपत्र कक्षा 12वीं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक नगर नई दिल्ली। दूसरा वाला देखते हैं भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल। तीसरा वाला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लोगों को पर्यावरण के अन्योन सर्वाधिक होती है, तो प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार में यूरोपीय समूह द्वारा किया गया, तो रोपण कृषि के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट देखते हैं किस देश में रेल मार्ग के जाल का सर्वोत्तम है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक भारत की कितनी भाषाएँ हैं, तो 22 भाषाएँ हमारी अनुसूचित में दी गई है। अब खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, नैनीताल भारत का एक पर्यटन प्रसिद्ध नगर है जो सुप्रसिद्ध है। भारत में पेय कॉफ़ी के साथ चाय पी जाती है, ये सही रहेगा। भरमौर जाति में बकरवाल जो बकरी चराने वाले लोग होते हैं वो आवास करते हैं। 1970 के दशक में मानववादी अमूलवादी और खालिस्तान विचारधारा का उदय हुआ, तो व्यवहारवादी। चैनल टनल पेरिस को कोक वेल्स या फिर पास डी केलाइस फ्रांस के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश जो कि एक पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य की तरफ बढ़ते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, बिल्कुल सत्य। भारत के पास द्वीपों सहित 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री मार्ग है, सत्य। विश्व की 90% जनसंख्या थल 10% जल में निवास करती है, यह आपका असत्य रहेगा। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, बिल्कुल सत्य रहेगा। पनामा नहर पूर्वी अंटार्कटिक महासागर को पश्चिम प्रांत महासागर प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती जबकि जोड़ती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल है, बिल्कुल सत्य है, जो कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, स्वेज नहर निर्माण, तो स्वेज नहर निर्माण का 1869। वस्त्र उद्योग वस्त्र निर्माण, तो वस्त्र निर्माण का आ जाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप। सर्वाधिक कपास, तो आ जाएगा इसका तीसरा वाला महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का आ जाएगा बिहार, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या है। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो भारत में न्यूनतम भाषाई समूह चीनी तिब्बत, इसका सही रहेगा दा वाला ऑप्शन। अब जोड़ी कवर करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं एक शब्द या एक किमोत्तर। भारत में रेल प्रणाली कितने मंडल में विभाजित की गई है, तो वो 16 मंडल में विभाजित की गई है। मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन कब मनाया जाता है, 1995 में। भारत की दो प्रमुख तिलहन फसलें हैं, तो जैसे आप कोई सी भी जिनसे तेल निकाल सकते हैं, सोयाबीन सरसों अलसी, ये तो मैंने अरंडी और अलसी लिखा है, तो आपने जो लिख दिया वो सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 282 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। अब जोड़ी का हमने एक शब्द में उत्तर कवर करने के बाद आई होप आपने ये क्वेश्चन बना दिए होंगे, आई होप आपका पेपर अच्छा रहा होगा। आप सभी के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये पूरे के पूरे पेपर को मैंने स्क्रॉल कर दिया है और इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम। टाटा बाय बाय।